नमस्ते जी। नमस्ते। आपको हम सोशल मीडिया में बहुत देखते हैं और आज बैंगलोर में आप एक विशेष दिन को आए हैं, कहते हैं आज गीता जयंती है, तो आपने संदेश दिया है सबके लिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि गीता के प्रति लोगों का जो इंटरेस्ट है वो है लेकिन डीप नहीं है, इसका क्या कारण है? बोलते गीता गीता पर। अभी देखिए, स्कूलों में अगर गणित सिखाना बंद कर दें और जब वो केजी में हो तब 1 2 3 4 गिनती नहीं सिखाएं, तो वो जब 15 साल का आदमी हो जाएगा तो थोड़ी वो गणित सीख पाएगा। तो जिस आयु में जो शिक्षा देनी चाहिए वो तब जाकर उस विषय के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो धर्म निरपेक्षता के नाम पे भारत के कोई भी शैक्षणिक पद्धति में अभी तक गीता का ज्ञान दिया नहीं गया है। अब मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम को, भारतीय परंपरागत विद्या को हमारे शैक्षणिक पद्धति में थोड़ा स्थान दिया है। तो अब भारत में जितने स्कूलों में केजी से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जितने लोग स्कूलों में जाएंगे, तो धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि अगले 5 वर्ष के अंतर्गत पूरे भारत के जो 27 करोड़ केजी से 12वीं के बीच स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं और 3 करोड़ लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सभी को गीता के ज्ञान का एक्सपोजर मिलेगा। और जब सही आयु में, सही उम्र में जब गीता के इस ज्ञान का लोगों को जानकारी मिले, तब जाकर उनके अंदर विश्वास और श्रद्धा बढ़ेगी। तो अभी तो हम लोग यथाशक्ति यथासंभव इस्कॉन के भक्त और बाकी कई दूसरे आध्यात्मिक संस्थाएं स्वयं सेवा के हिसाब से प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग का भी मोर और लेस एडल्ट एजुकेशन में है, लेकिन जिस उम्र में गीता के प्रति श्रद्धा का विकास होता है, उस टारगेट ऑडियंस को भी भविष्य में इस गीता के स्कूल कॉलेजों में इंट्रोडक्शन से प्रभावित होंगे। लेकिन जैसे इस्कॉन संस्था जो बनी है, उसके बहुत पहले भी गीता तो बढ़ती थी, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है, अनेक लोगों ने इसका अनुवादन किया है, इसकी शिक्षाएं फैलाई है, तो वैसे ही स्कूलों में भी बहुत लोग आके गीता का ज्ञान देंगे। पर कहते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से कोई चीज सीख ले तो फिर उसको सुधारना और मुश्किल हो जाता है, अनलर्न देन लर्न। तो क्या आपको लगता है कि ये समस्या आ सकती है, क्योंकि लोग गलत तरीके से सीखेंगे, क्योंकि शिक्षक ठीक नहीं है या शिक्षक की अपनी विचारधारा है, ऐसा कोई समस्या? देखिए, 1811 में लंदन में पहला अंग्रेजी स्कूल स्टार्ट हुआ, लेकिन 1811 में भारत की परिस्थिति क्या थी? 7.5 लाख गांव में 7.5 लाख गुरुकुल चल रहे थे। तो जब तक लंदन में पहला स्कूल स्टार्ट हुआ, तब तक भारत के अंदर शिक्षा पद्धति कितनी आगे बढ़ चुकी थी। अब वो तो मैकॉले ने आके फिर सिस्टमैटिक तरीके से 4 चीजें की, गुरुकुल को बंद किया, संस्कृत को अवैध घोषित किया, अलग अलग शिक्षकों को मार पिटाई करके अत्याचार किया, कई गुरुकुलों को उन्होंने आग लगा दी। तो उसके कारण धीरे 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 देखते देखते भारत की जो प्राचीन संस्कृत भाषा पे आधारित जो गुरुकुल सिस्टम था वो समाप्त हुआ। तो देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत प्राचीन काल से अपने वैदिक परंपरागत शिक्षा के प्रति एक स्वाभाविक लगाव, रुचि और क्षमता रही है। तो उसी क्षमता को फिर विकसित करना इतना कठिन नहीं होगा। दूसरा, आपने जो मुद्दा उठाया ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर गीता छोड़ो, अगर आपको मेडिकल साइंस सिखाना हो, इंजीनियरिंग सिखाना हो, तो इस सब को रेगुलेट करने के लिए आजकल बॉडीज हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है, AICTE है जो सिलेबस कोर्स निर्धारित करती है, ट्रेनर वगैरह करती है। तो अगर गीता को भी एक औपचारिक रूप से हमारी शिक्षा पद्धति में एक अभिन्न अंग बनाते हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी औपचारिक रूप से प्रशिक्षण की पद्धति हो, लोगों को सक्षम बनाने की पद्धति हो, वो सभी पद्धतियों को
सभी गीता और आध्यात्मिक ज्ञान के विकास में लगे हुए संस्थाओं को बुलाकर, शिक्षकों को बुलाकर, कई संस्कृत के स्कॉलर्स को एकत्रित करके एक संवाद आरंभ किया जाए। उस संवाद और मंथन से ये प्रकट होगा कि इसको गांव-गांव तक और बच्चे-बच्चे तक शिक्षा पद्धति को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की रचना हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक संवाद नहीं होगा उन लोगों के साथ जो अब तक इस कार्य में लगे हुए हैं, तब तक ये पूरी तरह से लोगों तक यथारूप नहीं पहुंच पाएगा। इसी संदर्भ में आपसे पूछना है कि भारत में इतने सारे दर्शन हैं, विचारधाराएं हैं, लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं गीता में ये इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ, ये सबसे प्रमुख है। कोई बोलता है कि मेरा दर्शन ये है। तो इतने हजारों साल में ये जब नहीं आया, तो क्या ये सरकार के ये प्रक्रिया जो उन्होंने आरंभ की है, इससे क्या आ पाएगा? और क्या ये शिक्षा का वास्तविक लाभ हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे पहले से ज्यादा? कोई भी आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो जीव की यात्रा को लेकर पांच मुद्दों पर ही प्रकाश देता है। ये पांच तत्व क्या है? जीव का वर्तमान स्थान कहाँ है? दूसरा, जीव का गंतव्य क्या है? स्थान से आपका उनके आध्यात्मिक पद्धति में उनका स्थान की बात कर रहे हैं आप? अभी उनके वर्तमान चेतना कहाँ पर है जी? उनके आकांक्षाएं क्या है जी? वो भय से प्रेरित हैं, वो इच्छा से प्रेरित हैं, कर्तव्य से प्रेरित हैं, प्रेम से प्रेरित हैं? उनके वर्तमान चेतना, उनकी प्रेरणा का एक अवलोकन। फिर उनका गंतव्य क्या होगा? तीसरा, उस गंतव्य में पहुंचने के बाद उनका अनुभव क्या होगा? जैसे अगर बेंगलोर आए तो बेंगलोर में कोई जेल में भी जा सकता है, फाइव स्टार में भी जा सकता है, मंदिर में भी जा सकता है, अलग अलग अनुभव होंगे। चौथा, उसको अपने वर्तमान से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सा सबसे सुगम मार्ग वो अपनाएगा? और पांचवा, उस मार्ग पर कौन कौन से बाधाएं आएंगी? स्टार्टिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन, एक्सपीरियंस, द पाथ एंड द ऑब्स्टिकल्स। तो ये पांचों पैरामीटर्स को लेकर अगर इस पैरामीटर्स में से कोई एक भी बदले तो उस धर्म का नाम बदल जाता है। तो एक पैरामीटर बदल दिया तो वो इस्लाम हो जाता है, एक और पैरामीटर उसमें बदल दिया तो क्रिश्चियन हो जाता है, एक और बदल दिया बौद्ध हो जाता है, जैन हो जाता है, और फिर उसी के अंतर्गत और कुछ परिवर्तन किया तो वो एक शिया हो जाता है, एक सुन्नी हो जाता है, एक फिर वैष्णव हो जाता है, अद्वैत हो जाता है कोई एक। इस तरह के धर्म के अंदर जितने भेद हैं ये पांच पैरामीटर्स को लेके ही। तो इसलिए विज्ञान में भी कोई कम भेद नहीं है, जितने वैज्ञानिक हैं वो भी प्रकृति को विविध प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर हम इस भेद को और मतभेद से भयभीत होकर चर्चा ही आरंभ न करें और शिक्षा की पद्धति आरंभ न करें तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो इस भय को दूर करके हम सभी को, जैसे गीता में और वैदिक परंपरा में पांच तत्व दिए गए हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर है, हम सबके कोई नियंत्रण करने वाला है। जीव है, जो हम हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रकृति है, इसके अंतर्गत हम सब कार्य कर रहे हैं। काल है और कर्म है। तो ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये पांच एक ऐसा विषय है कि चाहे कोई हिंदू के अंदर भी द्वैत हो, अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, जो भी हो, शंकर जो शिव जी को पालन करता हो, गणेश जी को, दुर्गा माता को, कृष्ण को, ये पांच को तो स्वीकार करना ही। तो इन पांच बातों को मन में रखते हुए इससे संबंधित जो दर्शन हो, तो कम से कम इन शिक्षाओं के माध्यम से इन सभी दर्शनों में इनका मूल तात्पर्य क्या है, ये लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो
तो इसको कहते हैं बेसिक्स, तो अभी मान लीजिए कोई सिक्स स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको सिक्स स्टैंडर्ड में ही इतने सारे क्वांटम मैकेनिक्स के नियम है जिसके कारण न्यूटन ने जो प्रस्तुत किया वही बेवकूफी है करके तो आदमी उसको पढ़ेगा नहीं करेगा। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में उसको जो आवश्यक है फिजिक्स की जो न्यूनतम जानकारी उसको दी जाती है, फिर वो इंजीनियरिंग तक पहुंचता है, फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स समझने के योग्य बनता है, तब उसको समझ में आता है कि चलो भाई एक बार मत है तो बहुमत हर विषय में होगा, लेकिन अगर हमें मनुष्यों को एकत्रित करना हो और उनको सद्भावना, आपसी सद्भावना और वैर मिटाना हो, तो हम सभी एक पिता के पुत्र हैं, पुत्री हैं, हम सभी उनसे प्रकट हुए हैं, इस विषय में हमको जानकारी देनी चाहिए। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत ये चार बातें हम लोगों के जीवन में ला पाएंगे, हार्मनी विद द सेल्फ, हार्मनी विद डिवाइन, हार्मनी विद नेचर एंड हार्मनी विद अदर पीपल एंड कम्युनिटी। तो अगर ये चार स्तरों पर समन्वय या हार्मनी हम मानव समाज में ला पाए, जो कि वैदिक शिक्षा सभ्यता और संस्कृति का आधारभूत था, तो ये पूरे समाज में हमें एक बहुत बड़े आध्यात्मिक क्रांति और लोगों के जीवन में शांति उत्पन्न करता।